भारत में एक और नई सरकार का गठन हुआ। इसके समानांतर जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातें तेजी से बढ़ी। जम्मू के क्षेत्र में 4 दिन में 4 आतंकी हमले हो गए। आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। सुरक्षा बलों की ओर से पलटवार जारी है। स्थिति की समीक्षा की गई है, लेकिन कश्मीर से परे जम्मू के आतंक के निशाने पर आने का कारण क्या है? क्या है पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की ताजा किश्त के पीछे का षड्यंत्र? कश्मीर में कमर टूट गई तो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने। आखिर क्यों है आतंकियों के निशाने पर जम्मू? और भी जो लोग इस तरीके सोचेंगे भी तो फिर कांपेंगे। जम्मू इसलिए चूज किया गया है क्योंकि जम्मू जो है इनकी गतिविधियों के लिए काफी फर्टाइल इलाका है, क्योंकि जंगल जम्मू में बहुत है। आतंकी संगठन ये जतलाना और दिखाना चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति पूरे जम्मू कश्मीर में मौजूद है। जम्मू में हमला करने में क्यों कामयाब हो रहे हैं आतंकी? ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है, जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ही रहती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आतंकियों ने क्यों किया शपथ ग्रहण के दिन तीर्थ यात्रियों पर हमला? पाकिस्तान दुनिया को दर्शाना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन में इतनी बड़े तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जो है वहाँ उस माफिक नहीं है जिस माफिक हिंदुस्तान क्लेम कर रहे हैं। आतंकवादी करीब 7-8 के आसपास थे। आतंकवादियों ने गोली फायर किया और बस पे लगी गोली, बस डिसबैलेंस होके खाई में गिर गई। उसके बाद भी उन्होंने गोली चलाना बंद नहीं किया। लोग बस में थे, पता नहीं कौन गोलियां धड़ाधड़ चलाने लगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी, आतंकवादियों के समर्थकों की नाक में नकेल कसी गई, आतंकियों की फंडिंग नेटवर्क टूट गए, आतंकियों को आतंकी वारदात करना मुश्किल हो गया। लेकिन 2023 के बाद आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल ली और जम्मू को निशाने पर ले लिया। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस जो है वो कश्मीरी है, कि वहां पर ये इस तरह के छापे मारे जाए, वहां इस तरह का उबाल लाया जाए। मगर भारत की एजेंसीज, भारत के सिस्टम ने कश्मीर के ऊपर इतनी तगड़ी निगरानी रखी है कि वहां के जितने नेटवर्क्स थे उनको नाकारा कर दिया। इसलिए उन्होंने चुना है वो इलाका जहां 15 साल से ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई है। नेटवर्क मेरे ख्याल में अभी भी वहां पर कायम है, क्योंकि जब भी इस तरह से टेरर किसी जगह से हटता है तो टेरर शायद साबित ना हो मगर नेटवर्क वहां पर रहते हैं, और वो नेटवर्क जो है उनको शायद रीएक्टिवेट किया गया है। प्रॉब्ली यहाँ पर कोई स्लीपर एजेंट्स हो, इस तरह के हो, ये नेटवर्क्स जो है अभी भी कायम है। कश्मीर में मात खाए आतंकियों ने 2023 से ही जम्मू को टारगेट करना शुरू कर दिया था। 2023 के पहले ही दिन राजौरी के एक गांव में आतंकियों ने 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में आतंकियों के IED ब्लास्ट में 2 बच्चों की भी मौत हो गई। अप्रैल 2023 को भी दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया जिसमें 5 जवानों की मौत हो गई थी। 1 जनवरी 2023 से 13 जून 2024 तक 42 नागरिक और सुरक्षा कर्मी मारे जा चुके हैं। सवाल उठता है आखिर जम्मू क्यों? कश्मीर में हमला करना आसान नहीं रहा, पीर पंजाल के जंगल छुपने में मददगार है। पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं वो जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र के बीच का प्राकृतिक विभाजन है। ये मुगल रोड जो है वो जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र को जोड़ता है। आतंकियों ने भारत सरकार के संयम को छेड़ा है, नई रणनीति से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है, जांच का जिम्मा NIA को सौंप दिया गया है। आतंकी घटनाओं में अचानक आई इस वृद्धि के बाद सरकार भी लगातार एक्शन में है। 13 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने NSA डोवाल सहित सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर मीटिंग की। 14 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने भी मीटिंग की। 15 जून को जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की और 16 जून को फिर एक बार गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर सुरक्षा रिव्यू मीटिंग की।
इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोवाल के साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और आतंकवादियों के समर्थकों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के निर्देश दिए। ये जो उच्च स्तरीय सिक्योरिटी की बैठक हुई है आज जो जम्मू कश्मीर के बारे में, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है और सिर्फ बैठकों का जोर नहीं और बैठकों के बाद में क्या एक्शन प्लान होना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। चार दिनों में चार वारदात, मेरे ख्याल में ये चिंता का विषय है। 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। गृह मंत्री ने यात्रा रूट और नेशनल हाईवे पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध करने को कहा है। तीर्थ यात्रियों पर हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठन TRF ने ली है। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है क्योंकि 29 जून से इस वर्ष की जो है वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने जा रही है। 52 दिन तक ये यात्रा चलेगी तो सुरक्षा की दृष्टि से काफी चुनौती रहेगी सुरक्षा एजेंसियों के लिए कि किस प्रकार से जो यात्रा है ये शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण हो जाए। TRF पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के इशारे पर काम करता है। पहले भी कश्मीर के कई हमलों में इसका नाम आ चुका है। आतंकी अपना खूनी खेल खेल चुके हैं, अब बारी है भारतीय जवानों के जवाब की। चुन चुन कर आतंकी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, जो छुपे हैं उनका अंजाम भी जल्द ही मौत होगा। आबादी के रूप में जनसंख्या के हिसाब से कश्मीर और जम्मू के बीच बहुत स्पष्ट अंतर है। ऐसे में जम्मू क्षेत्र में हमलों का बढ़ना, हिंदू गांव पर हमला होना, तीर्थ यात्रियों से भरी बस को निशाना बनाना, इन हमलों को देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। ये साजिश नजर आती है कि जम्मू कश्मीर में मजहबी द्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है। पिछले एक साल से लगातार जम्मू के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी आम नागरिकों को टारगेट किया जाता है, कभी सुरक्षा बलों को। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पीएम मोदी के शपथ लेने के चार दिन के अंदर ही जम्मू में चार बड़े हमले होते हैं। पहले तीर्थ यात्रियों की बस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। 2 दिन बाद ही कठुआ में आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया। अगला हमला डोडा के छत्रकला में सुरक्षा बलों के अस्थाई ऑपरेटिंग बेस पर हुआ जिसमें 5 जवान घायल हुए। रियासी में बस पर हुए हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली। डोडा पर हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के एक आतंकी संगठन ने ली है। जानकारों की माने तो ये जैश के ही उपसमूह है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार लॉन्च पैड में 60 से 70 आतंकी सक्रिय हो सकते हैं। एक एक करके इनको बाउल वाइज हमने 1995 से लेकर 2005 के बीच में जब इन लोगों ने 10 साल तक जम्मू की रीजन को पूंछ राजौरी किश्तवाड़ डोडा रामबन को उथल पुथल करने की कोशिश करी पर लोगों ने डटे रहे और फौज पुलिस और पैरामिलिट्री उन्होंने अपनी एजेंसीज अपनी पूरी ताकत भिड़ा दी और इनको नाश्तोनाबूद करने में कामयाब हुए। फिर उसी तरीके का एक चैलेंज अगर हमारे सामने दुश्मन रख रहा है तो हम एकदम से दृढ़निष्ठ हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे। चुन चुन कर एक एक कर हम ज़्यादा तो तादाद नहीं हैं, हम इनको मार गिराएंगे और हर एक की लाइफ स्पान जो है अंदर घुसने के बाद उसको छोटे से छोटे कर देंगे और इसको खत्म कर देंगे। तो क्या कश्मीर में मजहबी द्वेष फैलाने की कोशिश हो रही है? क्या अब जम्मू का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? क्यों तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है? टूरिस्ट की सेफ्टी का अभी ये देखना चाहिए कि मेरे ख्याल से अगस्त के महीने के अंदर हमारी जो अमरनाथ की यात्रा है ये शुरू होने वाली है और वो यात्रा इसी रूट पे होती है जहाँ पे ये हमला हो गया है। तो अगर इन टूरिस्ट की अगर हम
जो सिक्योरिटी है इसे हम ठीक तरह से नहीं कर सकते तो ये टूरिस्ट की जो संख्या है ये कम हो जाएगी, यानी कि टूरिस्ट की जो रक्षा करना है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं, कल से माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी जी भी मामले पर नजर बनाए हुए, लोग भी जिम्मेदार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से करमाल में लाया जाए और मुझे लगता है कि एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाए। सवाल बड़ा है, आखिर आतंकियों ने कश्मीर घाटी के बजाय अब जम्मू पर हमले क्यों शुरू कर दिए? ये जो हमला हुआ है इट इज बीइंग कैरिड आउट बाय इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, जिसको हर प्रकार से सपोर्ट किया गया, अबेट किया गया, असिस्ट किया गया बाय द पाकिस्तानी आर्मी एंड द एसआई। तीसरा, ये टाइमिंग जो चुनी गई है वो ऐसी चुनी गई है जिससे मैक्सिमम एम्बैरेसमेंट हो हिंदुस्तान को, मैक्सिमम पे ऑफ हो। इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया और 7 हेड्स ऑफ स्टेट्स मौजूद थे जब ये पहला रियासी का अटैक हुआ। चौथा, पाकिस्तान दुनिया को दर्शाना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन में इतनी बड़े तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया लेकिन उसके बाद भी स्थिति जो है वहाँ उस माफिक नहीं है जिस माफिक हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है।